हैंडीक्राफ्ट चीजों के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर की शुरुआत हुई है। ये एक्सपो 10 फरवरी यानी शनिवार तक चलेगा। इसमें बड़ी संख्या में भारतीय कारोबारी हिस्सा ले रहे हैं। ये खूबसूरत पॉट, ये दिल जीतने वाले लैंप और लाइट्स, वैलेंटाइन वीक के बीच ये प्यार भरे तोहफे, ये सब सजा है यूपी के ग्रेटर नोएडा में, जहां के एक्सपो मार्ट में इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स गिफ्ट्स एंड फेयर की शुरुआत हुई है। यहाँ करीब 3000 भारतीय कारोबारियों ने अपने ऐसे ही सैकड़ों प्रोडक्ट की प्रदर्शनी लगाई है। इस एक्सपो में अमेरिका, स्पेन और फ्रांस समेत 100 देशों के करीब 5000 से ज्यादा खरीदारों के पहुँचने की उम्मीद है। ये बेहद खास फेयर होता है क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर इंडियन बिजनेसमैन को एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि वो यहाँ पर आकर अपने प्रोडक्ट को प्रदर्शित कर सके, और इसे देखने के लिए कई बाहर के देशों के जो बायर्स हैं वो यहाँ पहुँचते हैं। इस एक्सपो में कई ऐसे स्टॉल लगाए गए हैं जिन्हें देखकर आप सीधे उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि वो अनोखे हैं और खूबसूरत हैं। कहा जा रहा है कि इंडियन मार्केट अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, यहाँ आप खर्च करने की क्षमता भी बढ़ गई है। लिहाजा कई कारोबारी जो पहले सिर्फ विदेशों के लिए अपनी चीजें बनाते थे, वो अब भारत में भी अपना सामान बेच रहे हैं। पहले तो ये सब चीजें एक्सपोर्ट ही हुआ करती थी और हम लोग अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में ये सब चीजें एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से इसकी इंडिया में काफी डिमांड रेज हो रही है, क्योंकि जो इंडियन लोग हैं उनको सब बाहर के ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप ये प्लेट्स देख रहे हैं, इन प्लेट्स को हम जो है ऐसे वॉल आर्ट भी यूज करते हैं और इसको हम ऐसे प्लेट भी यूज करते हैं जिसके अंदर हम लोग अपना इसको सर्ववेयर में भी यूज होता है कि इसके अंदर हम कुछ सर्व भी कर सकते हैं और खा भी सकते हैं। तो इसके अंदर जो है इस टाइप के ये प्लेट्स हैं, ये सारे हमारे पॉट्स हैं, प्लांटर्स हैं जो हमारे आउटडोर गार्डन के लिए यूज होते हैं। मेक इन इंडिया वाला ये लाइन देखेंगे, ये उस तरह का तो नहीं, हमने अपने टेस्ट में बनाया है। आप ये देखेंगे सब नट्स लगे हैं यहाँ पे, और ये देखिए ये नेल्स ये लगे हैं यहाँ पे, ये पूंछ में इसकी स्प्रिंग लगा है ये, और ये वुड के ऊपर हमने इसको बनाया है। वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है, लिहाजा इसका रंग भी यहाँ देखने को मिल रहा है। भारतीय कारोबारियों के मुताबिक पिछले करीब एक दशक में इसको लेकर क्रेज काफी बढ़ा है। वैलेंटाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले 5 से 10 साल में बाहर आया है, जो आज की यंग जनरेशन है उसके लिए ये एक दूसरे को गिफ्ट देना, विश करना, अपने वैलेंटाइन से बात करना, ये अब जो आया है एक हमारे लिए नया त्यौहार है जिसके लिए हम पिछले काफी टाइम से नए प्रोडक्ट इंडस्ट्री को दे रहे हैं। मौजूदा दौर में लोगों को हर चीज ऑनलाइन ऑर्डर करने की आदत पड़ गई है, इस वजह से भी तोहफों का ये बाजार एक बड़ा आकार ले चुका है। डिजिटल युग में जब सारी चीजें बदल गई है, सोशल मीडिया के युग में अब सब चीजें हम ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं, और आइटम खरीदने का की प्रथा भी बदल गई है। अब ग्रीटिंग कार्ड का चलन वैसा रहा नहीं, सो ऑनलाइन से ही अपन ने और व्हाट्सएप के मैसेज के द्वारा हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा प्रचलित कर लिया है। जाहिर है तोहफों का ये मेला बेहद खास है, इसमें आम लोग भी आ सकते हैं, हालांकि वो इन तोहफों को नहीं खरीद सकते क्योंकि ये मेला खास तौर पर विक्रेताओं और कारोबारियों के लिए है। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया की रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।